खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपके साथ दीपक। द्वारका से बीजेपी के प्रत्याशी प्रद्युमन राजपूत के नेतृत्व में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों को संबोधित किया। देखिए हमारे सहयोगी प्रवीण की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़, आपके साथ मैं हूं प्रवीण। और आज हम मौजूद हैं द्वारका विधानसभा के महावीरिंग क्लेव नसीपुर रोड पर, जहां एक जनसभा का आयोजन किया गया है उम्मीदवार प्रद्युमन राजपूत के द्वारा। और यहां डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं, यहां कुछ लोग भी पहुँचेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, उस पूरा प्रोग्राम समझेंगे। राजधानी दिल्ली में चल रहे जोरदार प्रचार के बीच देश के पूर्व गृह मंत्री व वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारका विधानसभा में आयोजित जनसभा में पहुंचे। इस मौके पर प्रत्याशी प्रद्युमन राजपूत के साथ द्वारका के तीनों पार्षद रेखा चौहान, मुकेश सूर्यान और पूनम जिंदल मंच पर मौजूद रहे। जनसभा में हजारों की संख्या में दर्शक राजनाथ सिंह को सुनने के लिए पहुंचे। सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी के झंडे, टोपियां और पटकों के साथ नजर आए। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि मैं आज दूसरी बार इस क्षेत्र में आया हूं और इतनी विशाल जनसभा देखकर लगता है कि प्रद्युमन राजपूत निश्चित तौर पर द्वारका में जीत रहे हैं। इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, शायद इस क्षेत्र में किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए दूसरी बार मैं आया हूं, यह तथ्य है। पहली बार तो नहीं, दूसरी बार आया हूं ना, नीचे ठंड लग रही है ज्यादा, यह सच्चाई है ना। दूसरी बार आया हूं लेकिन बहुत देर के बाद आया हूं, देर के बाद आया हूं लेकिन पूरी तरह से दुरुस्त आया हूं। देर से आने के बावजूद आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। प्रद्युम्न राजपूत जिस समय बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि अब आप सोच लीजिए कि आपकी सरकार ने क्या क्या किया, इसलिए आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। तो मैंने बैठे बैठे मैं इस नतीजे पर पहुंचा, जिस प्रकार की सार्वजनिक सभा अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, इस सभा को देखने के बाद तो मुझे ऐसा ही लगता है कि लोगों ने सोच लिया है यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जिताकर हमको दिल्ली की विधानसभा में भेजना है। प्रद्युमन राजपूत ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी विधानसभा में अदला बदली का खेल चल रहा है। मिश्रा परिवार पर निशाना साधते हुए प्रद्युमन राजपूत ने कहा कि वो चाहते हैं कि विधायक भी हमारे परिवार से हो, सांसद भी परिवार से हो और पार्षद भी परिवार से ही हो। के अंदर मैं भी माननीय जी को बता रहा था, हमारे यहाँ तीन कैंडिडेट है, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हूँ और जो इससे पहले आप पार्टी के कैंडिडेट थे वो कांग्रेस में आ गए हैं और कांग्रेस वाले कैंडिडेट जो है आप पार्टी के अंदर चले हैं। ये अदला बदली का खेल यहां इस विधानसभा के अंदर हो रहा है और कांग्रेस के जो आप पार्टी के अंदर गए हैं उनके बारे में उनका तो सोच ही शुरू से रहा है कि एमपीपी मैं बनूं, एमएलए मेरा बेटा बने, काउंसलर मेरा भाई बने, उसकी पत्नी बने, केवल परिवार की चिंता, परिवार का विकास, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज की। राजनाथ सिंह के संबोधन के बीच तमाम लोग भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आए। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस जनसभा में पार्षद पूनम जिंदल और मुकेश सूर्यान समेत कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल, आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजेपी की इस जनसभा में पार्षदों और अन्य कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। बीजेपी की इस जनसभा में द्वारका विधानसभा के बीजेपी के तीनों पार्षद नजर आए, सुनिए उन्होंने व अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इंडिया टाइम 24 न्यूज के कैमरे पर क्या कहा। मुझे लगता नहीं अब कुछ बचा है, ये तो स्पष्ट है। अब जब लोग गलतफहमी में जी रहे हैं तो उनको जी लेना चाहिए और गलतफहमी आदमी की जल्दी दूर हो जाएगी 8 तारीख को।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोग दिल्ली में बनाने जा रहे हैं और आप खुद भी देख रहे हैं, मीडिया के लोग हैं, घूमते भी हैं, जनता का आप रिव्यू भी ले रहे हैं, जनता को देख भी रहे हैं। इस बार मुझे लगता नहीं कोई जनता कोई चुप करेगा जो पिछले बार जनता से भूल हुई है। बिल्कुल, देश के यशस्वी गृह मंत्री हमारे बीच में आए और उन्होंने अपना संबोधन करा, जिस तरीके से कई चीज़ें लोगों को क्लियर नहीं थी, जैसे CAA के बारे में पूरी पूर्ण रूप से क्लियर नहीं थी, बस एक ये सोच रहे थे कि हमको देश से निकाल रहे हैं और कहीं ना कहीं भ्रमित किया जा रहा था। उन्होंने एक एक शब्द क्लियर करे कि किस तरीके से रजिस्टर 2010 में भी बना, 2015 में भी बन रहा है और ये कांग्रेस की सरकार ने ही पीछे से शुरू करा था। बहुत ज़्यादा खुश हूँ और पूरी पूरी बहुमत हमारी है और हम जीतेंगे। मैं तो कहूँगा भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ है, इसलिए हमारी जीत 100% क्लियर है। बिल्कुल बढ़ गया है जोश, बिकॉज राजनाथ जी एक जाने माने नेता हैं हमारे और रक्षा मंत्री हैं अभी, तो इससे अच्छा है कि जो आए हैं हमारे पास रक्षा मंत्री हमारे बीच में आए हैं, तो इससे उत्साह जो कि लोगों में एक थोड़ा था वो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया है, तो इससे कहेंगे राजनाथ जी आने से पॉजिटिविटी और थोड़ी बढ़ी। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात जो कह रहे हैं अखिलेश जी, बिल्कुल सही, लोगों का जनता का उत्साह बढ़ गया है राजनाथ सिंह जी के आने से और इस बार प्रद्युम्न राजपूत भारी बहुमत से जीतेंगे इस विधानसभा इलेक्शन को। राजधानी दिल्ली में 8 फरवरी के दिन दिल्ली की जनता दिल्ली का भविष्य तय करेगी। इससे पहले कोई राजनीतिक पार्टी प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। तो आपने देखा कि प्रद्युम्न राजपूत के नेतृत्व में एक विशाल जनसभा का आयोजन द्वारका विधानसभा में किया गया, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी पहुंचे और साथ ही हमने कुछ लोगों से बात की जो कि पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कमल खिलेगा। कैमरा जर्नलिस्ट वीरू के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज। दिल्ली में जनसभाओं और रैलियों का दौर जारी है, अब देखना यह होगा कि दिल्ली की जनता जीत का ताज किसे पहनाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।